INS विक्रमादित्य इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की आन बान और शान है। ये इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रमादित्य समुद्र में चलता फिरता अभेद किला है। ये 283.5 मीटर लंबा यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर है और 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। ओरिजिनली इसे 1982 में रशियन नेवी के लिए कमीशन किया गया था और वहां से रिटायर होने के बाद 2013 में इसे इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया। INS विक्रमादित्य करीब 36 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ले जाने की क्षमता रखता है जिसमें 26 से ज्यादा फोर्थ जनरेशन मिग 2 के फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 कामोव के A-31 हेलीकॉप्टर्स जो कि इसे सबमरीन के हमले से बचा सकती है। विक्रमादित्य AK-630 कैनन से लैस है जो किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसकी कीमत $2.3 बिलियन है जो कि 28,000 करोड़ रुपए है। इसकी डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है और ये इतने वेट के साथ भी 30 नॉट यानी कि 56 किलोमीटर की स्पीड के साथ चल सकता है। फुली लोडेड होने के बाद ये एयरक्राफ्ट के लिए 45 दिन तक नॉनस्टॉप चल सकता है और 25,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल कर सकता है। ये अपने रडार से 500 किलोमीटर की इलाके पर नजर रख सकता है और आसमान में फोर्थ जनरेशन मिग 29 की मदद से 2,000 किलोमीटर की रेडियस रेंज में अपना दबदबा बनाए रख सकता है।